हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार से उसको ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से निर्धारण किया गया है। ठीक इसी क्रम में हम आज आपको बताएंगे कि ताप कटिबंध क्या होते हैं। तो ताप कटिबंध में क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको विभिन्न डिफरेंट जोस में डिवाइड किया गया है। जोस में डिवाइड किस प्रकार से किया गया है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जीरो डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश रेखा क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, विषुवत वृत्त। क्या? विषुवत वृत्त या इक्वेटर। ठीक, साढ़े तेईस डिग्री पे होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। ठीक, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त। अब ये क्या हो गया हमारे पृथ्वी में, अब इन्हीं डिफरेंट जोन्स में क्या होगा तापमान की हम यहाँ पर विवेचना करेंगे कि किस प्रकार से ताप किस जोन में ज्यादा होता है। ठीक, तो पहली चीज हम आपको ये बता दें कि जब कोई जो भी कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो इक्वेटर लाइन है उस पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जो हमारी ये कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा है, इसके बीच पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश जो होती है तिरछी पड़ती है। सूर्य की प्रकाश क्या होते हैं, तिरछे पड़ते हैं। इसलिए जो होता है कि इस जोन का तापमान ज्यादा होता है कंपेयर देन इस जोन के। ठीक, इसी प्रकार जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे वहां पर क्या होता है, तापमान घटता जाता है और ध्रुवों पर बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है। ठीक ना, तो कुल मिला के कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त से लेके कर्क वृत्त तक का समय वो जो है एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य सीधा पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी आती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ग्रीष्म कटिबंध। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। किस एरिया को, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में के बीच के जो जोन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे उष्णकटिबंध में आता है। ठीक, ये जो एरिया है, ये एरिया उष्णकटिबंध वाला एरिया हमारे पूरी पृथ्वी का 39.78% को कवर करता है, इतने एरिया को कवर करता है जहां पर उष्ण कटिबंध में जो आते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जब ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमने बताया कि मौसम में क्या होती है, ठंडक आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का जो स्थान है यहाँ पर क्या होता है, ना तो गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडक होती है, तो इसलिए इस स्पेस को क्या बोलते हैं, जोन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा का बीच का जोन जो होता है वो भी शीतोष्ण कटिबंध होता है। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन। इसी प्रकार से जो शीतोष्ण कटिबंध होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और जो ये एरिया है, ये एरिया मिला के कितने परसेंट कवर करते हैं, 25.99% एरिया को कवर करते हैं जहां पर टेम्परेट जोन है। ठीक, अब बताया कि जैसे ही हम नॉर्थ जोन की जाएं ओर जाएंगे या फिर साउथ जोन की ओर यानी पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा,
पोल की ओर बढ़ते जाएंगे वहां पे क्या होगा, ठंडक बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत ही कम पड़ती है, यहाँ पे सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। ये जो स्पेस है ये जोन, और ये जोन कितने एरिया स्पेस को कवर करते हैं, 4.12% को कवर करते हैं, जो कि फ्रिजिड जोन में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर को इन तीन जोन में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्लियर है? चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, उसके पहले हम आपको थोड़ा पिछली क्लास का रिवीजन करवाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वह क्या है, वह क्या है, इस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, हम विषुवत वृत्त बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार से 23.5 कर्क रेखा, 66.5 आर्कटिक रेखा, 1884 तो इसके लिए क्या किया गया, सभी विश्व ने 1884 में एक मीटिंग की, उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो भी समय होगा वह किसके आधार पर माना जाएगा, वह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के समय को मानक समय मान लिया गया। मतलब कि किसी भी स्थान का, किसी भी स्थलीय जगह का जो भी समय माना जाएगा वह किसको मानक मान लिया जाएगा, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला को माना जाएगा, जो कि कहां पे है, जो कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ठीक, अब ये तो बात क्लियर है, अब भारत का जो मानक समय है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो एक चीज सभी आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी अपने अक्ष पर क्या होती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में कितने एंगल घूमती है पृथ्वी, 360 डिग्री पूरा घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक ना, कितने में, 24 आवर में। तो 1 डिग्री घूमने में 24 × 60 मिनट, ठीक ना, इसको हमने क्या कर दिया, आ जाएगा 41440 मिनट, यानी 360 डिग्री घूमने में कितने लगा रही है, 1440 मिनट का समय ले रही है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगी, 4 मिनट का। ठीक, 15 डिग्री घूमेगी कितने में, 1 घंटे में। अब जो भारत का मानक समय माना गया है वह किसको माना गया है, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से उत्तर की ओर 82.5 डिग्री, जो कि कहां पे है, इलाहाबाद के नैनी को क्या किया गया, भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री, कहां से, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब इस समय को मिनट में परिवर्तित करेंगे, इतनी दूरी चल करने जो मिनट का परिवर्तन आया वो कितना आएगा, इसको आप चेंज करेंगे मिनट में आ जाएगा 5 आवर और 30 मिनट, 330 होगा। ठीक, तो अब भारत का जो मानक समय है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा, मतलब कि देशांतर रेखा से पूर्व की ओर चलने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर जाने पर समय में माइनस की होता है। ठीक,
आई बात समझ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। आई बात समझ में? तो भारत का मानक समय का निर्धारण किस प्रकार से किया गया, कहाँ से किया गया? इलाहाबाद के, या प्रयाग, उसको नाम नया नाम दे दिया गया प्रयागराज, तो प्रयागराज के नैनी से किया गया है। ठीक है, तो ये हुई बात अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जिस प्रकार से समय रेखा का निर्धारण 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से किया गया है, उसी प्रकार से समय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से किया गया है। ठीक ना, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक, अब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ इस प्रकार की है। ठीक, 180 डिग्री या उत्तर या लॉन्गिट्यूड को क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक ना, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, ये टेढ़ी मेढ़ी होने का रीजन ये है कि यह जो तिथि रेखा है या किसी भी एक जोन को दो भागों में विभाजित होने से बचाने के लिए, और दो सीमाओं के बीच में एक बॉर्डर का के लिए क्या किया गया, इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। ठीक ना, जैसे जो ये है, ये क्या है? साइबेरिया। साइबेरिया को बीच से विभाजित होने और अलास्का से को विभाजित होने एवं अलास्का से अलग रखने के लिए इसको क्या किया गया, 75 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पे क्या किया गया, उसको थोड़ा सा पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक, फिर यहां पर पुरानी स्थिति में आने पर के बाद उसको पश्चिम में मोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर के कारण इसको क्या किया गया, पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। फिर अपनी पुरानी 180 डिग्री पे आती है। इसके बाद ये जो है 15 डिग्री साउथ लेटिट्यूड और 45 डिग्री साउथ लेटिट्यूड। यहां पर फिजी, क्या फिजी, फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड द्वीप समूह को एक साथ रखने के कारण इसको पुनः पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। आई बात समझे? अब कोई व्यक्ति अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, तो उसमें क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे एक दिन की वृद्धि होती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो उसमें एक दिन की कटौती हो या कमी हो जाती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे मैसेज के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।